हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज आपके लिए आया न्यू करतार फ्रेश मॉडल न्यू 2024 में, जो इसको घर लेने आए हैं हम। हमारे रिलेशन वाले ने खरीदी इसको, तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए हम आपको दिखाते हैं वीडियो में, और लास्ट में बताएंगे इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी लग कुछ इस प्रकार, थ्रेसर और स्टॉबकर, थ्रेसर बास्केट इस प्रकार कस के देखते हैं। और फीटर चेन की बात करते हैं, इसमें तीन फीटर फिट्टी कर दी गई है चार चेन के साथ में। और उसके बाद पीछे चलते हैं, फैन में काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं किया, सब ठीक है। और नीचे गेयरबॉक्स की ही बात की जाए तो ब्रेक है इसमें ऑयल डुबो ब्रेक्स। उसके बाद पीछे चलते हैं, इधर हैवी ड्यूटी चेन की बात की जाए तो कुछ नहीं किया इसमें, थोड़ा सा पीछे करके चेन थोड़ी छोटी कर दी है। और उसके बाद पीछे चलते हैं, एलिवेटर वगैरह सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हालांकि ये चादर बड़ा दिया है नीचे से खोलने के लिए, ऐसी कैसे प्लेट निकल जाएगी बड़ी आसानी से, और कुछ काम करना रहता है इस पर कर सकते हैं, दोनों सेम। बेयरिंग साइज की अगर बात की जाए तो 207 की कर दी गई है। और इधर फैन की बात की जाए तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पीछे चलते हैं, ये फिल्टर बना दिया है, एयर ड्राई फिल्टर है, और इसका हवा बनाने वाला जो अपन कंप्रेसर वगैरह में यूज़ करेंगे वो है छोटा कर दिया है। उसके रिवर्स हॉर्न लगा दिया है यहाँ पे। और पीछे चलते हैं, टायर साइज की बात की जाए तो 916 के जो लगते हैं आपके सब हार्वेस्टर में। पीछे स्टॉबकर की बात करते हैं तो वही जो आते हैं 5 स्टॉबकर, चलना साइज की सेम सीप है। और इसमें बेड काफ़ी लंबा चौड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा सीप पे का भी साइज बढ़ा दिया। और वो दिखाते पीछे, पेट्रोल पंप को बाद में लेंगे, चलते हैं एक दूसरा साइड। तो पीछे जो पार्किंग लाइट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर दी गए हैं, इधर भी क्रैंकशाफ्ट के जो साइज बेयरिंग के वो 207 के कर दिए गए हैं। उसके बाद बैटरी काफ़ी गैप छोड़ दिया, यहाँ क्या होता था कि डस्ट आके जम जाता था, इसलिए इसको थोड़ा दूर कर दिया, तो डस्टिंग की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई। और जो टूल बॉक्स में चाबी का यूज़ कर दिया है, चाबी का जो सादे इसमें अंदर ही है। और फ्लैट बेल्ट की बात की जाए तो इधर साइड में कर दिया है अलग से अलग। हेडलाइट जो अपने आ रहे कंपनी से सीडी जे वाली है, ऊपर से बताते हैं अपन आपको, एक ऑयल पानी का कैन दे दिया है पैन रखने के लिए। ये टूल बॉक्स जिसमें चाबी वगैरह नट पाना पंच कर सकते हैं। और सीट किया की बात की जाए तो यदि ये हाथ रखने के लिए आवश्यकता अनुसार नीचे ऊपर कर सकते हैं, तो ये दोनों साइड दिए हैं। उसके बाद दो चार्जर पॉइंट दिए इसमें सेल्फ पे, ये कटर बार डाउन अप डाउन का, ये रील अप अप डाउन अप का, और हाई लो का लीवर। गियर की बात की जाए तो पहले गियर की बात की जाए तो इसमें रिवर्स एक नंबर, दूसरे की बात की जाए तो इसमें दो नंबर प्लस तीन नंबर, और चौथे की बात की जाए तो न्यूट्रल प्लस चार नंबर। तो ये मान के चलो पांच गियर की गाड़ी है। और इसमें फंक्शन बढ़ाया है एक्सीलेटर जो काफ़ी अच्छा दिया है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। पैर वाला ब्रेक ड्यूल पेडल में एक्सीलेटर स्टीयरिंग एडजस्टिंग टेबल, ये अपना हेडलाइट पार्क लाइट, यहाँ कुछ लाइट, और स्पीकर अच्छी क्वालिटी के, इधर मीटर अशोक लीलैंड का, ये मीटर रीडिंग जो आपका चालू हो जाएगा, ये कुछ फ्यूज सेटअप का,
ये अपना चक्कर कम ज़्यादा करने का लीवर यहीं पे दिया है एकदम बाहर से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे कुछ और फ्यूज दिए है जिसमें दिक्कत परेशान ना होगा। एक अंडरक साइड बैठने का, उसके बाद ठीक पीछे चलते हैं। ये यूरिया वाला इंजन, तो कुछ खास जाली डबल जाली कर दी गई इसमें एयर क्लीनर में, डबल जाली में एक घूमने वाला प्लस एक ऊपर भी अलग से। यूरिया टैंक हो गया, यूरिया टैंक हो गया, उसके बाद यूरिया सेंसर वगैरह और एयर फिल्टर। इंजन की फोटो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे भी एक सेंसर लगा हुआ है, ये यूरिया टैंक है, इनका सेंसर है। उसके बाद देख सकते हैं कितनी सारी वायरिंग गई है, थोड़ी सी परेशानी बढ़ा दी है देख सकते हैं। और सेफ्टी के लिए इधर ऊपर दे दिया गया है। अब कटर की बात करते हैं आगे, उसके बाद कटर की बात करते हैं। तो वही अपना मोटर वाला कटर स्टेप चलाने के लिए, पुली वगैरह सेम। ये रील की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे लॉक दिया मस्त, हाथ से घुमा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेन का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फ्रंट ओवर का साइज है 18 इंची, तो काफ़ी बड़ा है, कोई भी फसल काटने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ब्रांडिंग का स्टार की, इधर ब्लेड वगैरह 10, और ये फ्रंकलिक बूस है जो काफ़ी मोटे कर दिए गए हैं ताकि जल्दी ख़राब ना होंगे। उसके बाद इसमें सॉफ्ट दे दो, एक ब्रेड सॉफ्ट, एक फिटर सॉफ्ट, दो ब्रेड सॉफ्ट। इसमें दिया होगा स्टेप। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आई तो थैंक यू, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की नॉलेज के लिए शेयर करें। बाय बाय दोस्तों। और कीमत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी कीमत पड़ी हमें 28,50,000 में हमें पड़ी है, सब कुछ कंप्लीट। और लेने आए हैं घर की ओर, ठीक है दोस्तों। कीमत की बात बता दी आपको हमने कि 28,50,000 में हमें पड़ी है, हरदा टिमरनी में, और इसे आ रही है बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल में। तो दोस्तों इसी के तरीके की नॉलेज और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और अच्छा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।